नमस्कार, आप देखना शो कर चुके हैं DSD न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। 3 मार्च को सदन के पटल पर झारखंड का बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के द्वारा बजट पेश किया जाएगा और बजट को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की, क्या राय है, यह जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के स्पोक्समैन संजय पांडे जी। सर, आपका SD न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को भी बहुत बहुत नमस्कार। वित्त मंत्री द्वारा 3 मार्च को सदन के पटल पर बजट पेश किया जाएगा, क्या एक्सपेक्टेशन है, सबसे पहले बताएं। देखिए, जो बजट की का प्रारूप है, मुख्यमंत्री के द्वारा पहले भी इसके बारे में घोषणा की गई है कि यह जो वर्ष होगा झारखंड के लिए रोजगार का वर्ष होगा। रोजगार की प्रमुखता रहेगी और रोजगार के आधार पर ही निर्धारित किया जाएगा कि बजट में उसके लिए कितने प्रावधान किया जाए। साथ ही यहाँ पर जो मजदूर, प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में जो लौटे थे, उनके संबंधित उन्होंने बात रखी है कि हम उस पर विशेष बल दिया जाएगा। तीसरी बात उन्होंने रखा कि यहाँ उद्योग धंधों को से झारखंड को आत्मनिर्भर बनाया जाए ताकि यहाँ के जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार दिया जा सके। ये मूल रूप से है, ये कहा जाएगा कि ये जो वित्तीय वर्ष है झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड के सरकार की घोषणा के अनुसार लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। लोगों को जो नौकरी यहाँ अभी जिसके लिए रिक्ति बनी हुई है कई विभागों में, उस पर उनकी बहाली की जाएगी और साथ में छोटे छोटे रोजगार डेवलप किए जाएंगे जिसके आधार पर उन लोगों को जो उस किसी भी क्षेत्र में जो कुशल मजदूर हैं या कुशल नागरिक हैं उनको काम दिया जाएगा, कुशल युवकों को खासकर उसमें प्रमुखता दी जाएगी। 26 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो चुका है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद, राज्यपाल का अभिभाषण जो हुआ उसके बाद विपक्ष जो है वो कह रहे हैं कि सरकार जो है वो झूठ का पुलिंदा पढ़वाने का काम राज्यपाल से किया गया है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है वो सरकार के वित्तीय वर्ष की रूपरेखा रहती है कि इस वित्तीय वर्ष में सरकार किस तरह के कार्य को करेगी, वो उसको निर्धारित कर किया जाता है और राज्यपाल का अभिभाषण में वही बातें रहती है। इसलिए राज्यपाल का अभिभाषण जो है सरकार के कार्यों को बताया गया है, सरकार के जो घोषणाएं हैं उसको अमल में लाने के लिए जो प्रावधान किया जाएगा वो निर्धारित की गई है। जहाँ तक विपक्ष की बात है, विपक्ष हमेशा हमलावर रहती है कि कई वर्षों से वो सरकार में रहे, वे कुछ कर नहीं पाए। जब यह सरकार कुछ करने की सोची है तो उनको लग रहा है कि ये काम हम किए होते तो आज ये बात जनता में जाती कि हम लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उन्होंने के नाकामी के वजह से ये झूठ बोल रहे हैं। जबकि अभी कोरोना काल से झारखंड जो है निकला है और ये एक नई मुहिम के साथ, नए मिशन के साथ अपना कार्य शुरू करना चाह रही है, इसलिए जो अभिभाषण है वो सरकार की रूपरेखा है, सरकार का प्रारूप है जो इस वित्तीय वर्ष में लागू करेगी। आप गठबंधन सरकार को सपोर्ट करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने एक बयान में कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये थोड़ा सा विवेचना का विषय है। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो उन्होंने दिया उसके लिए मैंने उनको बहुत थैंक्स दिया, बहुत ही बधाई दिया कि बधाई के पात्र हैं कि ये झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री ने दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय को संबोधित किया। इसलिए और जहाँ तक आदिवासी हिंदू और उनके जाति निर्धारण की बात है, पूर्व में भी आदिवासियों के लिए कोई धर्म का निर्धारण हिंदू धर्म से नहीं किया गया था। उनके अपने धर्म थे, अपने पूजा पाठ के तरीके थे। इसके कारण वो इस बात पे कहना चाहते हैं कि आदिवासी जो मूलवासी हैं यहाँ के, उनकी जो पौराणिक परंपराएं हैं उसके आधार पे इनको जो है किसी धर्म में बांटा ना जाए, ये उनका सोच है। अब ये
ये विवेचना भी किया जाएगा, देखा जाएगा कि ये आगे इस पर क्या अमल होता है। आखिरी सवाल ले रही हूँ सर, बंगाल में चुनाव होने हैं, तारीख की घोषणा भी हो चुकी है, दंगल तेज हो चुका है, वहीं 8 चरण में चुनाव होने हैं, तो अगर मैं पहले चुनाव जब हुए तो 6 चरण में भी चुनाव हुए, 7 चरणों में भी चुनाव हुए, इस बार 8 चरण में चुनाव हो रहे हैं, जिसको ममता दीदी जो है वो ये कहती है कि ये भाजपा की साजिश है और ऐसा करने का सिर्फ एक ही मकसद है, डैमेज करना चुनाव को, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव जहाँ कई चरणों में तब किया जाता है जब वहाँ की स्थितियाँ, जैसे झारखंड में जो है नक्सलवाड़ी हो, छत्तीसगढ़ में है, फिर भी चुनाव की जो रूपरेखा है उसको तय किया जाता है कि वहाँ की परिस्थिति क्या है। 8 चरण में चुनाव कराने के पीछे भाजपा की मंशा ये है कि वो चाहती है कि हम एक लंबे समय तक, लंबा समय निर्धारित करें ताकि विपक्षी दल थक जाए, प्रचार में उनके उनकी इतनी राशि इन्वॉल्व हो जाए कि वो अंतिम चुनाव के जो चरण हैं पहुँचते पहुँचते वो अब किसी तरह परास्त हो जाए। लेकिन वैसी बात है नहीं, यदि इस साजिश भी जो किए हैं, और अब तो कहेंगे कि चुनाव आयोग ने निर्धारण कर दिया, तो चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है कि 8 चरण में चुनाव कराए, शांतिपूर्वक कराए, भ्रष्टाचार मुक्त कराए। यही आप हमेशा यही बोलते हैं, चुनाव आयोग जिम्मेवार बने, चुनाव आयोग जिम्मेवार बने, इस बार क्या कहना चाहेंगे? चुनाव आयोग की जिम्मेवारी बहुत बहुत बड़ी है। देखिए, भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव के पीछे मैंने बार बार कहता हूँ कि जो जब ये चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है तो फिर भाजपा को साजिश करार देने का क्या मतलब? देखिए, भाजपा सारे इंस्टीट्यूशन जो है, जैसे संवैधानिक संस्थाएं हैं, कहीं ना कहीं उसको अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करने लगी है, जो कि बहुत ही गलत है, संविधान विरुद्ध है, लोकतंत्र के विरुद्ध है। और चुनाव आयोग पर ऐसे प्रश्न पहले भी उठते रहे हैं, और ये इसलिए चुनाव आयोग यदि सरकार के मंशा को पूरा करने में लग जाए तो अच्छी बात नहीं है, फिर भी चुनाव आयोग अपनी जिम्मेवारी लेते हुए भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव करावे, शांतिपूर्ण चुनाव करावे, जो उसके द्वारा निर्धारित की गई है नियमानुसार उसका पालन करें। चलिए, ठीक है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता संजय कुमार पांडे जी, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर अपनी बात कही। मैं गौरी रानी, डेस्टी न्यूज़ के लिए रांची से।